अंधेरा बढ़े तो किरण जागती है, उजालों के दिल में उमंग जागती है। एक, सिर्फ एक खातून, भिरावा माई ने बस्ती शाहवाला का बोल बाला कर दिया। वो उम्र जिसमें लड़कियां गुड़ियों से खेलती और स्कूल में पढ़ती हैं, इस उम्र में भिरावा को शादी के बंधन में बांध दिया गया। 13 साल की थी तो मेरी शादी कर दी, फिर शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। 5 तोड़ियों पढ़ी है, वाल मेरी शादी थी गिए वो आदि मैं पढ़ा दे माया के नहीं होने पढ़ सक दे। यूं 13 साला भिरावा ने पढ़ने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश को दिल में छुपाए ससुराल में कदम रखा। वक्त दबे पांव गुजरता रहा और पता भी नहीं चला कि भिरावा की शादी को 10 साल बीत गए और इस दौरान वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। घर के कामकाज, पोलियो ज़दा माजूर शौहर और 3 बच्चों की निगहदाश्त, बज़ाहिर नामुमकिन था कि ऐसे में कोई देहाती औरत पढ़ने का तसव्वुर भी कर सके। मगर भिरावा के पहाड़ से हौसले ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने हालात के जबर के आगे हथियार नहीं डाले। एनएफई वाले जब आए तो मैं भी खुश हो गई कि शायद मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। माया के कोई ना उन तू इतनी बाल अंतर है, तू कितना पढ़ सकती। उन्हें कोई तालीम थी वैसी बड़ा, उन्हें कोई शऊर थी वैसी, बच्चे घर दे वेज बिजरे पहली दूजी पढ़ दे, उन्हें कोई तो पढ़ा सक सी। तो वाले साहब मैं को आके तू जरा तब भी पढ़ा दे, वाल जरा तो माँ कोई ज्यादा देती है, उन पढ़ाई शुरू की थी है। दोस्त गाली करें ना उन भाई तेरे इतनी बच्चे हैं, तू जरा ते केरा काम ते शुरू कर देते, बीवी तेरे इमें वक्त जाय करें दी पई है। हर तरह के तंज, ताने और मुखालफत के बावजूद भिरावा ने अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया और मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। ये वक्त उसके लिए कड़ी आजमाइश साबित हुआ। मार्च में मेरी बेटी पैदा हो गई, उधर से पेपर देने थे तो बच्चों को भी संभाला, पेपर दे दिए। भिरावा समेत बहुत से लोग नतीजे का इंतजार कर रहे थे, फिर नतीजा भी आ गया। ये नतीजा भिरावा के लिए बहुत बड़ी आजमाइश था। तो जेले फेल था ये बड़ा मेरे वास्ते मसला बड़ा दर आ गया। 2-4 दिन में होटल तो नहीं बन सकिया, ऐसा परेशान थे बोला लोग ही डुआले आखन लगन साकु भाई तू साउंड क्या की। लोग हंसते थे कि इसके बच्चे थे ये पढ़ने लग गई थी अब नहीं हुई पास। मुखालिफीन ने तंज के तीरों की बौछार कर दी। इस बात का तसव्वुर मुश्किल है कि कोई इन हौसला शिकन हालात में फिर से कमरे हिम्मत बांधे, मगर बाहिम्मत भिरावा ने भी कर दिखाया। उसने सपली में बैठने का फैसला किया। बस्ती वाले बातें करते थे जब रास्ते में जाते थे कि जा रही है पेपर देने, पहले भी ऐसे घूम कर आ गई थी अब भी ऐसे होगा। उसने साबित कदमी दिखाई और जब नतीजा आया तो वो मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुकी थी। जेले उन्हें सप्ली पास की थी 621 नंबर आए, वाल मैं को मुबारक आने दे रहा है, मिठाइयां गेना है, अच्छे नंबर आए पास थे, बला हुए लोग आके साको मुबारक आने देने। सब तन सारे ताने हवाओं में दहलील हो चुके थे। अब वो एक पढ़ी लिखी माँ है, उसने अपनी 2 बच्चियों को स्कूल दाखिल करवाया है और साथ ही साथ तालीमी सेंटर में बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो CPC के रुकन होने की हैसियत से वालदेन को तालीम की अहमियत से आगाह करती और उन्हें बच्चों को पढ़ाने की तरगीब देती है। जब लड़कियों की सपलियाँ आए तो उनके माँ बाप ने कहा कि आपने सपलियाँ नहीं क्लियर करनी। भिरावा ने उनके घर जाकर कहा कि आपने मैंने मैट्रिक कर लिया, 5 बच्चों की माँ होकर आप लोग अब इनकी सपलियाँ क्लियर करवाएं। अब वो सपलियों की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब वो सपलियाँ क्लियर करेंगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं इस बस्ती की लड़कियों के लिए करूँगी, उनको आगे पढ़ने के लिए कहूँगी, ये मेरा ख्वाब है। मैट्रिक पास करना भिरावा का ख्वाब था जो पूरा हुआ। अब वो आगे बढ़ना चाहती है, अभी और पढ़ना चाहती है। इस बार उसे ये मंजिल 5 बच्चों के साथ सर करनी है। प्लान इंटरनेशनल पाकिस्तान ने अपने माविन इदारों के साथ मिलकर बिल्डिंग स्किल्स फॉर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और ठट्टा में
भिरावा माई जैसी 1200 बच्चों की जिंदगियों में इल्म की रोशनी बिखेरी।